मित्रों आज प्रस्तुत है जमशेदपुर से निर्मल कुमार डे की लघु कथा, जिसका शीर्षक है पहली पगार। तो सुनिएगा पहली पगार लघु कथा। चलो जी, इस रविवार को जनकपुर घूम आते हैं। सच? क्या कहा? जनकपुर? पति की बात से अचंभित पत्नी ने कहा। अचानक आपने कैसे प्लान बना लिया? मेरी भी इच्छा थी, परंतु आपकी व्यस्तता को देखकर प्रकट नहीं कर पाई। अरे जाने मन, व्यस्तताएं अपनी जगह है, लेकिन खास मौके को नजरअंदाज कैसे कर दूं? मैं आपकी बात समझी नहीं। बाबूजी ने कभी कहा था कि तुम्हें कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती? जी, बाबूजी ने गांव समाज की परवाह ना कर मुझे शहर में पढ़ने भेजा था। आज देखो ना, इसी पढ़ाई ने हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी हैं। कंपनी बंद हो जाने से कुछ महीने तक आप बेरोजगार हो गए थे। जानता। और तुमने परिवार की सेहत बिगड़ने नहीं दी। तुम लोकल स्कूल में शिक्षिका का पद ज्वाइन कर लिया। तुमने, तुम्हारी शैक्षणिक योग्यता ने हमें आड़े समय में बहुत सहायता की। तुम्हारी ये योग्यता बहुत काम आई। तुम्हारी पहली पगार तुम अपने पिताजी को देना नहीं चाहोगी? मतलब? अरे, एक लड़का अपनी पहली पगार अपने माता पिता को देता है ना? हाँ, देता है। तो क्या हुआ? अरे समझी नहीं, तुम बेटी हो, अपने माता पिता के लिए किसी बेटे से कम थोड़ी हो। तो मैंने सोचा है कि अपनी पहली पगार पिताजी को देकर एक नई मिसाल कायम करना। अरे क्या हुआ, भावुक हो गई? आपकी स्नेहिल भावना देख मेरा जीवन सार्थक हो गया। लेकिन पिताजी पैसे नहीं लेंगे। अरे पहले चलो तो, एक बेटी के बाप के घर पर मोहर लगाने का दायित्व तो मेरा होगा। तुम चलो। पत्नी के चेहरे में खुशी झलकने लगी। धन्यवाद।